एनएल की टीम, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको और आइए अपनी गुफ्तगू आरंभ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आप सबकी टीम का और बिलखसूस आप दोनों टीम का शुक्रगुजार कि आपने यहाँ अपने स्टूडियोज में मुझे दावत दी और आज के इस दिन के हवाले से, जबकि आपका प्रोग्राम लाइव जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि हम एक लाइव गुफ्तगू में भावतपुर के लोगों को एड्रेस कर सकेंगे उनके मसाइल के हवाले से, यूथ के मसाइल के हवाले से, बिलखसूस भावतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी भावतपुर के लोगों के लिए तरक्याती काम जो करवा रही है या जो उसके लाहेमल में शामिल है जो काम, उनके बारे में डिस्कस कर सकेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो आपने एक आज मीडिया का दौर है और मीडिया जो है बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और इसका वाइटल मैं समझता हूँ एक रोल है मीडिया का पाकिस्तान की सोसाइटी, और बिलखसूस जब हम अदलिया की आज़ादी की तरफ देखते हैं, जमहूरियत की जो है उसकी आज़ादी की तरफ और जमहूरियत की मजबूती की तरफ देखते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की तरफ देखते हैं, कानून की हुक्मरानी का जायजा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर उसमें मीडिया के किरदार को निकाल दिया जाए तो ये मुमकिन आम को उसको अचीव कर सके। और मैं हमेशा से इस चीज़ का हामी रहा हूँ कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, मीडिया को अपने ख्याल के इजहार के लिए आज़ाद होना चाहिए, और मीडिया क्योंकि एक ओपिनियन बिल्डर है, वो एक लोगों के अंदर ओपिनियन बिल्ड करता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो एक पॉजिटिविटी की तरफ मुआशरे को लेके जाए। और आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि भावलपुर जैसे शहर में आपने इस लाइव टेलीकास्ट जो है ट्रांसमिशन का आगाज किया, और मैं आप पूरी इंटायर टीम को अपने दिल के हाथ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, मैं आपसे क्वेश्चन जो है आपका प्रोफेशनल से हट कर, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका आपने जो अपनी एजुकेशन स्टार्ट की तो फर्स्ट स्कूल कौन सा था और क्या वो सिलसिला था सारा, थोड़ा सा आप हमें अपनी चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं जैसे मोहन बच्चों का होता है चाइल्डहुड तो ऐसे ही होता है, शरारत से भरपूर, और क्योंकि मैं अपने तीन भाइयों से छोटा हूँ, बहन से भी तो खासा लाडला भी कहा जाता है, और मैंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो आर्मी पब्लिक स्कूल, अब जब मैं आर्मी कहता हूँ तो फिर वो मुस्लिम लीग नून और आर्मी थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्योंकि हम सब फौज की इज्जत करने वाले लोग हैं और हमारा कौमी दारा है, तो मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से रहीमिया खान से, मेरी पैदाइश भी रहीमिया खान की, और वहीं से मैंने अर्ली एजुकेशन ली, फिर भावलपुर मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया, हम यहाँ आ गए, बाकी की सारी एजुकेशन यहीं पर थी, इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस के साथ मैंने अपनी कंप्लीट की एजुकेशन। देखने की हद तक जी, खुद कभी नहीं हुई, इसकी वजह ये थी कि जब मैं अभी एफए में था तो मैंने एमएसएफ ज्वाइन कर ली, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, और फिर जब भी मैंने जिंदगी में कोई भी काम किया वो बड़ी तनदही से लगन के साथ किया और सियासत की लगन के साथ किया। मैं समझता हूँ कि सियासत एक अगर जज्बे से सही और सच्चे जज्बे से की जाए तो ये इबादत, वरना तो यहाँ लोगों ने सियासत को पेशा भी बनाया, और हमारे मुल्क में तो ऐसे वजीर आजम भी गुजरे जिन्होंने जब पासपोर्ट बनवाया तो पेशे के खाने में वजीर आजम ले गया, लोगों का पेशा वजीर आजम रहा, बदकिस्मती रही इस फॉर्म की, तो मुझे इसमें बहुत सा टाइम मिल नहीं सका कि मैं, लेकिन देखने की हद तक मैं इसको अच्छी है, प्रमोट भी करते हैं, बिलखसूस पंजाब में तो पता ही आप स्पोर्ट्स की तरफ से भी फेस्टिवल भी हो रहे हैं और आजकल जारी है, और पूरे डिवीजन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, सिटी लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर भी जा रही है, वो बड़ी खुशाइन बात है, मैं इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ कि प्रमोट करें, हेल्दी एक्टिविटी है ये। जी, हमें बहुत खुशी है कि भावलपुर से बी प्लस एन एन ने अपनी नशरियात का आगाज़ किया है, और हमें यकीन है कि ये नए आने वाले फनकारों को प्रमोट करेंगे, और आई एम थैंकफुल टू यू एंड बी प्लस डबल एन एन। जी सर, तो सियासत की तरफ आते हैं, आप ये बताइए कि आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज कब और कहाँ किया? ये गालिबन 92 की बात है, मैं कॉलेज में था तो मैंने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन MSF जो कि आम में कहते हैं उससे अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया, और ये बड़ी खुशायन बात समझता हूँ मैं अपने लिए कि मैं एक ऐसी जमात में शामिल रहा और हूँ इंशाल्लाह ताला, और मेरी यही कमिटमेंट है कि मैं मुस्लिम लीग नून में ही इंशाल्लाह, ये एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है जिसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है
एक खिदमत के जज्बे के साथ उसने अपनी सियासत कामयाब आशिफ साहब ने आगाज किया। तो मैंने भी एम एस एफ से ज्वाइन किया, फिर मैं मुस्लिम लीग यूथ विंग में आया, फिर मेन पार्टी में शामिल रहा। तो अभी फिर पिछले दो साल पहले मुझे कायद मोहतरम मियां उमर नवाशिफ ने यूथ विंग की जिम्मेदारी दी, मुस्लिम लीग यूथ विंग की हस्ती से सरजाम। सही, मुस्लिम लीग बोल आप यूथ विंग के ऑर्गेनाइजर हैं और जो हमारी यूथ विंग है वो वोट देना चाहती है, वो खड़ी है, तो लैपटॉप के अलावा भी आगे क्या प्रोग्राम है, क्या ये ये बड़ा अहम सवाल है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि इस पर पॉजिटिविटी आपके सवाल है। वरना मैं अक्सर जाता हूँ, लोग कहते हैं मुझे कि खाली यूथ को लैपटॉप देने से आप किस तरह, हाउ यू कैन एंगेज यूथ विद पीएमएलएन जस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दी लैपटॉप्स अमंग देम। तो खाली ये लैपटॉप देना मैं समझता हूँ संगे मील नहीं है, लैपटॉप देना जो है वो कोई खिदमत नहीं, और लैपटॉप देना जो है वो कोई आपके उस गोल की अचीवमेंट नहीं है जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ चाहती है। बात यह है कि यूथ जो है ये एक वाइब्रेंट यूथ है और ये बड़ा इसका सिलसिला बहुत आगे तक जाना चाहिए। देखिए ये जो एक पहला स्टेप है कि हाउ टू एजुकेट द पीपल, अगर लोग जो हैं वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अभी आज हम जब आप और मैं बात कर रहे हैं क्योंकि लाइव जा रहा है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आपके आईटी प्रोफेशनल्स होंगे यहाँ पर जो इसको पूरा एक पूरी दुनिया में लाइव लेके जा रहे हैं, तो ये कितना इसी से पता लगता है कितना ये इंपॉर्टेंट है आज पाकिस्तान में और दुनिया में कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग आपके साथ शामिल हों। तो उनको प्रमोट करने के लिए और जो लोग चाहते हैं कि उनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन, अभी लाइक हमारे लाइब्रेरीज की बहुत कमी है, अगर हम लाइब्रेरीज कायम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि किताब की दोस्ती सबसे अच्छी दोस्ती है, लेकिन बिल्कुल अगर हम बहुत ज़्यादा मैसिव ग्राउंड्स पर लाइब्रेरीज कायम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको आपके एक पुश बटन पर पूरी किताबें आपके पास आ जाती हैं, थीसिस आ जाते हैं, आपके पास रिसर्च आ जाती है, आपके हिस्ट्री आ जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो इन्हांस देयर मेंटल कैपेबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इसीलिए लैपटॉप दिए और ये कोई अचीवमेंट मैं नहीं समझता कि ये कोई एक गोल की अचीवमेंट है, ये फर्स्ट स्टेप है उस सफर की तरफ जो कि हम नौजवानों के लिए हमने सफर का आगाज किया। अभी स्पोर्ट्स में आप यूथ फेस्टिवल की बात करें, आप ऐसे राइटिंग की बात करें, आप यहाँ पर उनकी कैपेबिलिटीज बाहर से निकालना। अभी तंदूर रोटियां लगाने वाले बच्चे मोहसिन ने जो पूरी पोजिशन वहाँ पे सीएम को तशरीफ लेकर गए, वहां जाकर उसको पैसे दिए, फिर एक आपको पता है सीएम जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब बिल्कुल मेरिट के ऊपर काम करते हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि अपने डिस्क्रिशनल पावर्स यूज करते हुए उन्होंने एक मकान आशियाना हाउसिंग स्कीम में खर्चे को दिया। तो दिस इज आई थिंक द मोटिवेशनल फेस ऑफ फॉर द यूथ जो हम लोग आगे जा रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें करने को बाकी हैं हमेशा। और ये पीएमएलएन इन तक इंटरनेशनल लेवल पर कैसे जाएगा? देखिए ये कहना बहुत ज्यादा कबल अज वक्त है, और इंतहाबी इतिहाद तो बनते हैं, और इंतहाबी इतिहाद बनाना या किसी के पास जाना किसी के साथ मिलना है, तो ये अचंभे की और नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इतिहाद की गवर्नमेंट अभी भी कायम है, मरकज में मैं समझता हूँ कि एक नाकाम हुकूमत है लेकिन इतिहाद की हुकूमत है। इसी तरह से अगर आप आपके प्रोग्राम के करीब कोई जमात है, अगर आप समझते हैं कि आपकी जहनी हमानगी है, आपकी मैनिफेस्टो जो मशहूर है उसके करीब तक कोई जमात है और मिलकर एक तब्दीली पाकिस्तान में लाई जा सकती है, तो ये बातें इलेक्शन के बाद इलेक्शन से पहले हमें होती रहती हैं। और जब आप जरूरी नहीं कि आप इंतखाबात में किसी अलायंस में चले जाएं, आप इंतखाबात के बाद भी अलायंस में जा सकते हैं, और ये तो फिर उस वक्त की पोजीशन जो प्रिवेल करती है पॉलिटिकल उसमें डिपेंड करता है, और हमारे दरवाजे किसी के लिए कभी बंद नहीं रहे, हम किसी से भी बात इंशाल्लाह कर सकते हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी में हो, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए और मजबूत पाकिस्तान के लिए हो, तो किसी से भी बात की जा सकती है।